तो जो सबसे पहली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है हिंदुस्तानी भाऊ की तरफ से। जैसे कि आप लोगों को याद होगा, इस वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था सलमान खान के बारे में, जहां पर सलमान खान वो जब एयरपोर्ट गए थे तो वहां पर जो एक सिक्योरिटी ऑफिसर ने उन्हें रोक दिया था सिक्योरिटी चेकिंग के लिए, जिसके बाद वो वीडियो काफी वायरल हुआ था। और उसके बाद जो है उस चीज पर हिंदुस्तानी भाऊ ने भी रिएक्ट किए थे। अब जो लोगों ने मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखे, लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया, वो जाके देख लो, ताकि अभी मैं आप लोगों को जो बताऊंगा वो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। तो होता कुछ ऐसा कि सलमान खान का जो इंसिडेंट है उस चीज पर जो है राखी सावंत, जी हाँ, उन्होंने भी कुछ कहा है। आइए देखते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि राखी सावंत ने जो जो कहा है उस चीज पर हिंदुस्तानी भाऊ ने क्या कहा अपनी स्टोरीज में। सबसे पहले आप लोग राखी सावंत का वीडियो देख लो। अरे मुझे वो बहुत सैड लग रहा है, सलमान जी को एयरपोर्ट पे रोक दिया था वो। हां आप लोग ने देखा था क्या? वो पुलिस वाले ऐसा क्यों करते हैं जानबूझकर? खुद हिट होने आईडी 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 वाड़ी क्या? सलमान जी खुद उनका फेस एक आईडी है। सही बात, ये गलत है ना? आप जानबूझ के उनको, हमारे बॉलीवुड के लेजेंड है और इतना बहुत जोश आया था, तो उस टाइम पे कैसे वो बहुत सारे लोग ताज के वहाँ पे घुस गए थे, तभी क्यों सिक्योरिटी नहीं थी? सलमान जी को रोक दिया एयरपोर्ट पे, वो जानबूझ के, मालूम है कि मीडिया पीछे मेरा फोटो आ जाएगा, ये गलत है ना? क्या वो बंदा पुलिस वाला सलमान को नहीं जानता है? वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है, गलत है। और वैसे बहुत बहुत सारी हीरोइन है, मैं नाम नहीं लूंगी, अपने जिग क्या वो बॉडीगार्ड लेके तो ऐसे घुस जाती है। सलमान जी के साथ ऐसा कोई करता है वेरी बैड, नहीं करना चाहिए, नहीं करना। तो राखी सावंत ने सलमान खान को सपोर्ट किए, तो उसी चीज पर जो हिंदुस्तानी भाऊ उन्होंने कहा, इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, अब तुझे जवाब मिलेगा, अब लोग तुझे जवाब देंगे। वो सिक्योरिटी ऑफिसर अपना काम कर रहा था, तो हिंदुस्तानी भाऊ ने अपनी स्टोरीज में ये सब कहा। बाकी इस बारे में आप लोग क्या कहना चाहोगे मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना। गाइस अगली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है अनुष्का सेन की तरफ से। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई अनुष्का सेन की तरफ से जो है वेब सीरीज या तो म्यूजिक वीडियो आने वाला है, क्योंकि उसने कहा था न्यू प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर अनुष्का ने जो है पोस्ट अपलोड की है, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा है गोल्स #comingsoon, और वो जो है सकेत परंपरा एंड हिमांश कोहली के साथ है। तो भाई लगता है सकेत परंपरा, हिमांश, इन सब के साथ जो है अनुष्का सेन का प्रोजेक्ट आ रहा है। वैसे गाइस अनुष्का सेन को लेके एक और अपडेट है कि खतरों के खिलाड़ी जो शो है उसका 14th एपिसोड आया, और उसी एपिसोड में जो है अनुष्का सेन एलिमिनेट हुई थी। जी हाँ, उसी को लेके उसने अपनी स्टोरी में कहा, 14th एपिसोड पे मैं एलिमिनेट हुई, जो कि कुछ 7 हफ्ते तक चला, 7 वीक्स, जो कि मेरे लिए एक बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि मैंने सोची थी कि मैं फर्स्ट वीक तक ही रह पाऊंगी, पर मैं फाइट करती रही और परफॉर्म करती रही, एंड बहुत सारा प्यार मिला आप सबकी तरफ से। What a journey, ये सब चीज से मैंने काफी कुछ सीखा, मेरे फैंस का प्यार सब कुछ है मेरे लिए, थैंक यू मुझे हमेशा सपोर्ट करने के लिए। एंड जो लास्ट अपडेट है अनुष्का सेन को लेके वो ये कि अनुष्का सेन को भी मिल गया IWM बस की तरफ से अवार्ड। वैसे गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कागज ऐप के बारे में, जो कि मेड इन इंडिया कैम स्कैनर है। कागज स्कैनर से आप काफी इजिली कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके PDF में सेव कर सकते हैं। ये मेड इन इंडिया है, बिल्कुल फ्री टू यूज है, और इवन इसमें आप लोग को साइन अप करने की भी जरूरत नहीं। इसमें डिफरेंट PDF टूल्स है जिसे आप लोग यूज कर सकते हैं। साथ इसमें जो आप लोग 250 MB क्लाउड स्टोरेज स्पेस भी मिलता है, जिसमें आप लोग जो अपने डॉक्यूमेंट को स्टोर करके रख सकते हैं, और अगर आप अपने फ्रेंड को रेफर करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा क्लाउड स्पेस भी मिलता है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा मेड इन इंडिया है, तो भाई डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूले, लिंक मैंने कागज ऐप के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं। अगली जो न्यूज़ आ रही है वो है आशीष चंचलानी की तरफ से। तो भाई आशीष की तरफ से जो नई वीडियो आने वाली है OTP द लॉटरी चैप्टर 2, फाइनली वो आज के दिन 2 बजे आ रही है। जी हां, उसी पर आशीष उन्होंने कहा, डियर ACVians, पिछले 3 महीने हमारे लिए लाइफ चेंजिंग रहे, तुम लोगों ने OTP चैप्टर 1 को बहुत प्यार दिया, फाइनली कल चैप्टर 2 रिलीज हो रहा है और हम इमोशनल, नर्वस, एक्साइटेड, सब कुछ है एक ही टाइम पे। पिछले 2 महीनों से पूरी टीम बिना सोए काम की है इस प्रोजेक्ट पे। OTP चैप्टर 2 अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट कंटेंट होने वाला है, ऑलमोस्ट फर्स्ट चैप्टर से डबल है, ये एक पूरी फिल्म की तरह लेंदी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज इसे फिल्म की तरह देखना, पॉपकॉर्न लेके बैठना, नल्ला और तोता आ रहे हैं। आई विश हम OTP 2 सब फैंस के साथ एक मूवी थिएटर में देख पाते, बट कोई बात नहीं, एक दिन शायद वो भी आ जाएगा। तो भाई आज के दिन आशीष का वीडियो आ रहा है। वैसे कैसे आशीष चंचलानी को लेके बात निकली गई है, तो चलिए चलते हैं B-Unique की तरफ। जी हाँ, और ये भी काफी अमेजिंग न्यूज है। न्यूज ये है कि भाई यहाँ पर B-Unique की तरफ से जो season 1 आया था द ऑफिस कैंटीन का, अब season 2 आ रहा है, एंड इस सीजन में जो है आशीष चंचलानी, ट्रिगर इंसान, ये सब होने वाले हैं। जी हाँ, डिस्प्ले पर आप लोग देख सकते हैं फोटो, कैप्शन में B-Unique ने कहा season 2 coming soon #theofficecantin, और आप लोग देख सकते हैं भाई इस वीडियो में जो है फोकस्ड इंडियन, आशीष चंचलानी, ट्रिगर इंसान, ये सब होने वाले। उसी पर ट्रिगर इंसान उन्होंने कहा शूटिंग विद B-Unique, एंड B-Unique की तरफ से कुछ और स्टोरीज भी आई है शूटिंग के समय की, आइए देखते हैं। सर आपकी पूछ बार आ गई है सर, मेरे को मालूम है सर, फेवरेट व्लॉग है। गाइस जब तक आशीष का टेक खत्म हो जाएगा तब तक मैं सारे कमेंट्स को रिप्लाई कर रहा हूँ, सो प्लीज कमेंट ऑन द वीडियो। क्या हो गया, एक्टर रेडी है कि नहीं? हाँ एक्टर रेडी है कि नहीं?
हाँ सेम सेम ऐसा शूटिंग में यार इतने सारे लोग हैं शूट होने लगे हैं। अरे देखो पता है ऑनेस्टली मेरे को पता नहीं आधे लोग कौन है, मेरे को लगता तो भाई आप लोग कितना एक्साइटेड हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वैसे वीडियो को लेके बात निकली गई है तो चलिए चलते हैं राउंड टू हेल की तरफ। तो भाई राउंड टू हेल की तरफ से जो न्यू वीडियो आने वाला था 1959 फाइनली वो आ चुका है डिस्प्ले पर, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन भाई इस वीडियो ने रिकॉर्ड बना दिया। जी हाँ, इस वीडियो पर जो है 38 मिनट्स में 1 मिलियन व्यूज हो गए। ऑन एवरेज राउंड टू हेल की वीडियोस पर 4 से 7 लाख व्यूज आते हैं 38 मिनट्स में, लेकिन इस वाली वीडियो पे 1 मिलियन हो गए। आइए राउंड टू हेल की स्टोरी देखते हैं। आपको एक खुशखबरी देनी है, खुशखबरी है कि अपनी इस वीडियो ने कर ली है 38 मिनट में। अगली जो नजारी हो रही है जन्नत जुबैर की तरफ से, तो भाई जन्नत जुबैर का जो है बर्थडे था और बर्थडे के दिन ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि भाई जन्नत जुबैर का जो हैशटैग है वो ट्रेंडिंग पे ला जाएगा ट्विटर पे, लेकिन जन्नत के फैंस ने जो है ट्विटर पे ट्रेंडिंग पे ला दिए, जैसे कि जन्नत जुबैर टर्न 20 ये सब, जिसकी जो है स्टोरी पोस्ट की है जन्नत जुबैर ने, आप लोग देख सकते हैं। अगली जो नजारी हो रही है स्ले पॉइंट की तरफ से, तो भाई स्ले पॉइंट के जो अभ्युदय है उन्हें डेंगू हो गया था। जी हाँ, वो काफी बीमार चल रहे थे बट फाइनली अब वो जो है घर आ चुके हैं, अभी काफी हद तक वो ठीक हो चुके हैं। आइए उनकी स्टोरी देखते हैं। ठीक हो गया डेंगू? ऑलमोस्ट। कैसा लग रहा है? अभी तो ठीक लग रहा है बट बहुत बेकार हालत थी यार। 104 डिग्री फीवर, सब कुछ एकदम कड़वा कड़वा लग रहा था और रोज रोज ब्लड टेस्ट। भाई ये क्या, आज अभी जस्ट लेके गए तो हाँ चल रहा है बट हाँ मच्छर से दूर रहो भाई। मैं तो ओडोमॉस से नहा रहा हूँ, गुड नाइट वुड नाइट लगा रहा हूँ हर जगह। वजन बढ़ाओ, कम हो गया लग रहा है आपका। एक मच्छर ने क्या कर दिया ये। गाइस अगली जो नजारी हो रही है मिस्टर फैसू 07 की तरफ से, तो भाई लगता है हमें जो है मिस्टर फैसू की तरफ से कुछ स्पेशल देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, यहाँ पर पर्पल स्टार एंटरटेनमेंट उन्होंने मिस्टर फैसू के साथ ये वाली फोटो अपलोड की है। कैप्शन में कहा वर्क शूट डन विद मिस्टर फैसू, तो देखते हैं भाई फैसू की तरफ से क्या आता है। साथ ही साथ मिस्टर फैसू वो भी मिले जैस मानक से, उन दोनों ने कुछ कोलैबोरेशन वीडियोस बनाए रील्स वगैरह। और तो गाइस मिस्टर फैसू को फीचर किया गया न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में। तो ये थी कुछ अपडेट मिस्टर फैसू को लेके। गाइस अगली जो नजारी हो रही है योयो हनी सिंह नेहा कक्कर और टोनी कक्कर की तरफ से, जैसे कि मैंने आप लोगों को कुछ वीडियोस पहले बताया था कि भाई ये तीनों भी जो है कोलैब कर रहे हैं। जी हाँ, इनकी तरफ से जो है सॉन्ग आने वाला है जिसका नाम है कांटा लगा। फाइनली उसका पोस्टर आ चुका है और जो टीजर आ रहा है वो आ रहा है 2 सितंबर को। सो बस गाइस आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो ये रही आईडी। मिलते हैं वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जिन्होंने कागज एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, जाओ और डाउनलोड कर लो। बाय स्लैप। अबे साले रुको जरा, सबर करो। सोच रहा हूँ एक बार गूगल बाबा से पूछ के देखते कुछ चीजें, ऐसा मजा आएंगे ना। गूगल मेरे को भूख लगी है, क्या आप आसपास के कुछ रेस्टोरेंट देखना चाहते हैं? हाँ देखना चाहता हूँ, पर मैं तेरे साथ जाना चाहता हूँ। क्या बात करता है यार? एकदम मैं तैयार हूँ। हरामी मानुस। अरे वो मारेगी मेरे को। ये लीजिए वेलनेस फॉरएवर। तू पागल है क्या? ये असंभव है मेरे दोस्त, आप मेरे कोड को खुशी से भरते हैं लेकिन मैं उत्सुक हूँ। मैंने ऐसा क्या किया जिससे आपने यह पूछा? देख गूगल मेरे को गुस्सा आ रहा है। मैं इसके बारे में सोच रही हूँ, धैर्य रखने के लिए धन्यवाद। इस बीच क्या मैं दिमागीपन युक्तियाँ साझा कर सकती हूँ जो मैंने हाल ही में सीखी है? अपना मुंह अब बंद रख ले प्लीज। इसका अनुवाद अंग्रेजी से किया गया है। अरे भाड़ में जा। डिक्शनरी के अनुसार अगर कोई आपसे किसी चीज के बारे में अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है